आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बुधवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। विपक्षी दलों की बैठक में 12 दलों ने अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति जताई है। 16-17 पार्टी जो भी है उसमें से जो 12 पार्टी कल अटेंड हो गए थे, सभी ने ये माना है कि हम एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। तेलुगु देशम पार्टी ने भी लोकसभा के महासचिव को चिट्ठी लिखकर बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव को संसद की कार्यवाही में शामिल करने को कहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि सरकार के पास भारी बहुमत है और वो अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। प्रस्ताव विपक्ष और बाकी पार्टियां लेके आए, कोई सवाल लेके आए, हर प्रस्ताव का सामना करने के लिए मोदी सरकार तैयार है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पास होने के लिए लोकसभा के आधे सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। इस हिसाब से विपक्ष के प्रस्ताव में कोई दम नहीं है। फिलहाल लोकसभा में 9 सीटें खाली हैं और अध्यक्ष को छोड़कर 535 सीटें हैं, लेकिन अकेले बीजेपी के पास आधे से ज्यादा यानी 273 सांसद हैं। मॉनसून सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक में पीएम ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है। सदन की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक हुई। सदन चले तो हर विषय उठेगा। प्रस्ताव विपक्ष और बाकी पार्टियां लेके आए, कोई सवाल लेके आए, हर प्रस्ताव का सामना करने के लिए मोदी सरकार तैयार है। सर्वदलीय बैठक के बाद बीजेपी और एनडीए की बैठक हुई। शाम को राज्यसभा के सभापति ने सर्वदलीय बैठक की। वहीं लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक शाम 7 बजे शुरू हुई। कांग्रेस ने भी सदन चलाने का भरोसा दिया है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल से मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण बिल के अलावा ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला के खिलाफ बिल को भी पास कराने में मदद मांगी है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल से ये सवाल भी पूछा है कि यूपीए सरकार के दौरान महिला आरक्षण बिल को क्यों नहीं पास कराया गया, जबकि बीजेपी और एनडीए ने उसका समर्थन किया था। राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर महिला आरक्षण बिल पास कराने की मांग की थी। रविशंकर प्रसाद ने राहुल की उसी चिट्ठी का जवाब दिया है, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कानून मंत्री सौदागर बन गए हैं। गौरक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संसद से अनुरोध किया है कि वो इसके लिए अलग से कानून बनाने पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालतों को आदेश दिया है कि वो भीड़ की हिंसा में मौत होने पर दोषी को कानून में बताई गई अधिकतम सजा यानी सिर्फ मौत की सजा ही दे। सुप्रीम कोर्ट ने गौरक्षकों और भीड़ की हिंसा को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है, जिसके मुताबिक कोई व्यक्ति खुद में कानून नहीं है और कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। राज्य में कानून व्यवस्था को कायम रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार हर जिले में एसपी स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करे। राज्य सरकार ऐसे इलाकों की पहचान करे जहां ऐसी घटनाएं हुई हों। केंद्र और राज्य सरकार आपस में समन्वय रखें। सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेशों और वीडियो को रोकें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरेआम निर्दोष लोगों को मारने का भीड़ तंत्र को लाइसेंस दे रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से वो लाइसेंस खारिज हो गया। दूसरी तरफ सरकार ने कहा कि गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमारा मानना है कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत प्रोसेस उन कार्रवाई होनी चाहिए और हुई भी है। झारखंड के पाकुड़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश की भीड़ ने पिटाई कर दी। अग्निवेश के होटल के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा थी और जैसे ही वो बाहर निकले भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। पिटाई का आरोप भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लगा है। झारखंड के सीएम ने गृह सचिव को अग्निवेश के साथ मारपीट के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी ने इस घटना में अपने नेताओं के शामिल होने से इनकार किया है। मारपीट में शामिल कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभी जांच आएंगे तो उसमें पार्टी के कार्यकर्ता थे या नहीं थे,
कि कौन से ऐसे उत्तेजक बयान से, अग्निवेश जी के बयान से धार्मिक भावनाओं को उन्होंने कष्ट पहुंचाने का काम किया, ये सारे मामले हैं। सीपीएम ने अग्निवेश पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही और एकदम आम सड़क पर जय श्री राम के नारा देकर काले झंडे लेकर उसके ऊपर इस प्रकार का हमला, उनको लिटा दिया सड़क पर, उनको लात मारा। अग्निवेश का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन पर जुल्म किया जाता है। कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी बताने वाले कथित बयान पर विवाद के बीच राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए पार्टी की विचारधारा को सामने रखा। मैं पंक्ति में सबसे आखिर में खड़े व्यक्ति के साथ हूँ, शोषित हाशिए पर खड़े और सताए लोगों के साथ हूँ। लोगों का धर्म, उनकी जाति और आस्था मेरे लिए खास मायने नहीं रखती। जिन्हें भी दर्द है, पीड़ा है, मैं उन्हें गले लगाना चाहता हूँ। मैं नफरत और भय को मिटाना चाहता हूँ। मुझे सभी जीवों से प्यार है, मैं कांग्रेस हूँ। कांग्रेस प्यार का नाम है, मोहब्बत का नाम है, सद्भाव का नाम है, सदाचार का नाम है, भाईचारे का नाम है। यही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा और इससे बेहतरीन व्याख्या कांग्रेस और कांग्रेस धर्म की और भारतीय धर्म की नहीं हो सकती। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को सिर्फ कुर्सी से प्यार है। आप केवल और केवल उस नॉन लिविंग कुर्सी से प्यार करते हैं, उस नॉन लिविंग पावर से प्यार करते हैं, सजीव ह्यूमन बीइंग से, सजीव मनुष्य से आप प्यार नहीं करते हैं राहुल जी। राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी। उर्दू के एक अखबार के मुताबिक राहुल ने उस मुलाकात के दौरान मुस्लिम बुद्धिजीवियों से कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। हालांकि कांग्रेस ने इस खबर को गलत बताया है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर सेना में धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया है। सुरक्षा बलों में मुसलमानों की भर्ती के मसले पर ओवैसी ने कहा है कि PM पिछले 4 सालों में RAF, BSF, CISF और ITBP में मुसलमानों की भर्ती पर जवाब दें। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप हमको ये बता दो कि 4 साल में CRPF में कितने मुसलमानों को नौकरी मिली, BSF में कितने मुसलमानों को नौकरी मिली, रैपिड एक्शन फोर्स में आपने कितने मुसलमानों को नौकरी दी। बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे आर्मी में बंटवारे की साजिश बताया है। आर्मी के अंदर भी हिंदू मुसलमान किया जाए, आर्मी के अंदर भी बंटवारे की कोशिश की जाए, आर्मी के अंदर भी तुष्टिकरण की राजनीति को घिसाने की कोशिश की जा रही है, ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने ओवैसी के बयान का समर्थन किया है। नहीं, गलत नहीं, ऐसा मैं नहीं गलत मानता, भारतीय नहीं, बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि ऐसा है कि हर इसमें मुसलमान लेते हैं क्या, CBI में मुसलमान है क्या, आपके रॉ में मुसलमान है क्या, CID में मुसलमान है क्या, देखिए ना। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने वाले BSP उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह को पार्टी अध्यक्ष मायावती ने उनके पद से हटा दिया है। मायावती ने पार्टी नेताओं को चेतावनी दी कि किसी के खिलाफ व्यक्तिगत बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब BSP की सोच व नीतियों के विरुद्ध भी है, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए नए नए बने BSP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश सिंह को उनके इस पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। सोमवार को लखनऊ में BSP के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जयप्रकाश सिंह ने राहुल गांधी के भारतीय होने पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी अपने बाप राजीव गांधी पे चला जाता तो एक बार के लिए भारतीय राजनीति में सफल हो भी सकता था, लेकिन वो अपनी माँ पे चला गया और उसकी माँ विदेश की है, उसका खून विदेशी है। वो मैं दावे के साथ कहता हूँ, भारत की राजनीति में राहुल गांधी कभी सफल नहीं हो सकता। कांग्रेस की कार्यसमिति में 4 बड़े नेताओं को जगह नहीं मिली है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व महासचिव जनार्दन द्विवेदी, BK हरिप्रसाद और CP जोशी को कार्यसमिति से बाहर रखा गया है। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद नई कांग्रेस कार्यसमिति का गठन हुआ है, जिसमें 51 सदस्यों का नाम है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कार्यसमिति में नए नाम है। हरीश रावत को कार्यसमिति का सदस्य बनाने के अलावा पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया गया है।
जिस तरह लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसी तरह भीड़ तंत्र को अंग्रेजी में मोबोक्रेसी कहा जाता है। वैसे तो डेमोक्रेसी के साथ मोबोक्रेसी का जिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की कोई जगह नहीं होती। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के अंदर भीड़ तंत्र का अतिक्रमण हो गया है, और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ तंत्र पर बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां की हैं। भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार डालने को अंग्रेजी में लिंचिंग कहते हैं, और आज इसी लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। देश में हो रही लिंचिंग की घटनाओं पर भले ही सरकारें गंभीर ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। 45 पन्नों के इस फैसले में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बहुत से निर्देश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए संसद को अलग से कानून बनाने का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में भीड़ तंत्र के भयानक कृत्यों की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी भी शख्स को बिना मुकदमे के मार डालना या भीड़ की हिंसा समाज के लिए ऐसा खतरा है जो धीरे धीरे बड़े तूफान का आकार ले सकती है। इस समस्या को अगर रोका नहीं गया तो ये प्लेग की महामारी की तरह फैल जाएगी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को सरकारों को ही रोकना होगा। असहनशीलता, वैचारिक प्रभुत्व और पूर्वाग्रह की वजह से होने वाले इन घिनौने अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि ये आतंक के शासनकाल की तरह है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना और भीड़ द्वारा हिंसा रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ पर खास तौर पर आपको इस बात समझनी होगी कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने फेक न्यूज पर भी चिंता जाहिर की है और कहा है कि सोशल मीडिया द्वारा फर्जी खबरें और गलत जानकारियां फैलाने से भीड़ हिंसक हो जाती है। इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दिल्ली, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो बाकी के सभी राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। वैसे हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर देश भर में चर्चा हो रही थी, झारखंड में उस समय सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश भीड़ की हिंसा का शिकार हो रहे थे और वहां लिंचिंग की घटना हो रही थी। स्वामी अग्निवेश झारखंड में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। अग्निवेश के होटल के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा थी और जैसे ही वो बाहर निकले, भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। इस पिटाई का आरोप भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लगा है। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि स्वामी अग्निवेश आदिवासियों को भड़काने का काम कर रहे थे। इन कार्यकर्ताओं ने स्वामी अग्निवेश पर देश विरोधी बयानबाजी का आरोप भी लगाया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने स्वामी अग्निवेश के साथ मारपीट के इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि बीजेपी ने इस घटना में अपने नेताओं के शामिल होने से इनकार किया है। स्वामी अग्निवेश का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। ये गाइडलाइंस 3 हिस्सों में दी गई हैं: प्रिवेंटिव मेजर्स, रिमेडियल मेजर्स और प्यूनिटिव मेजर्स। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं, इसको रोका कैसे जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य सरकारों को हर जिले में SP रैंक का एक पुलिस अधिकारी एक नोडल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त करना होगा। ऐसे अधिकारी को एक DSP स्तर का अधिकारी सहयोग देगा और ये लोग भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाएंगे। एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी और ये टास्क फोर्स फेक न्यूज, नफरत भरी बातें या उकसाने वाली बातें करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके अलावा राज्य सरकारें 3 हफ्तों के अंदर ऐसी जगहों की पहचान करेंगी जहां पिछले 5 वर्षों में लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। राज्यों के गृह सचिव नोडल ऑफिसर को निर्देश दें कि जिन जगहों पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, वहां के थाना इंचार्ज ज्यादा सतर्क रहें। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक नोडल ऑफिसर को कम से कम 1 महीने में एक बार लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स और थाना अधिकारियों के साथ मुलाकात करनी होगी, यानी मीटिंग करनी होगी, और अगर किसी समुदाय या जाति के खिलाफ हिंसा होती है तो उस समुदाय के खिलाफ बने प्रतिकूल वातावरण को भी खत्म करने का काम करना होगा। राज्यों के DGP या गृह सचिव को नोडल ऑफिसर के साथ 3 महीने में एक बार मीटिंग करनी होगी और नोडल ऑफिसर को मॉब लिंचिंग रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी उन्हें देनी होगी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ समन्वय से काम करना होगा और किसी भी समुदाय या जाति के खिलाफ भीड़ द्वारा हिंसा को रोकने के लिए
कदम उठाने होंगे। केंद्र और राज्य सरकारों को रेडियो, टेलीविजन और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भीड़ की हिंसा के खिलाफ प्रसारण करना चाहिए कि मॉब लिंचिंग करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह के भड़काने वाले मैसेज या वीडियो को रोकना भी केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रेमेडियल मेजर्स यानी सुधार के सुझाव भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इन तमाम कदमों के बावजूद लिंचिंग की कोई घटना होती है तो संबंधित थाने को तुरंत बिना किसी देरी के FIR दर्ज करनी होगी। जिस इलाके में घटना होगी वहां के थाना अधिकारी को तुरंत घटना की जानकारी नोडल ऑफिसर को देनी होगी और नोडल ऑफिसर ये तय करेंगे कि पीड़ित परिवार के सदस्यों की और ज्यादा प्रताड़ना ना हो। ऐसे अपराधों की जांच की निगरानी खुद नोडल अधिकारी करेंगे और ये भी तय करेंगे कि चार्जशीट समय पर दाखिल हो। राज्य सरकारों को इस फैसले के एक महीने के अंदर मॉब लिंचिंग के पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना भी बनानी होगी और घटना के एक महीने के भीतर पीड़ित या पीड़ित के परिवार को मुआवजा देना होगा। लिंचिंग की घटनाओं का मुकदमा फास्ट ट्रैक अदालतों में ही चलेगा और अदालतों को ऐसे मुकदमों की सुनवाई हर दिन करनी होगी और ऐसे केसेस 6 महीने में खत्म होने चाहिए और ये निर्देश लिंचिंग के पुराने मुकदमों पर भी लागू होंगे। अदालत ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अब आपको बताने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक भीड़ द्वारा की गई हत्या के खिलाफ कठोर उदाहरण सेट करने के लिए आरोपियों को फांसी की सजा देनी होगी। ये सबसे बड़ी बात है जो अदालत ने कही है कि अब मॉब लिंचिंग के मामलों में फांसी की सजा देनी चाहिए। अदालत ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट को आरोपियों को अधिकतम सजा देनी होगी और पीट पीट कर हत्या के मामले में IPC की धारा 302 लगेगी। धारा 302 में अधिकतम सजा फांसी की होती है और धारा 302 मर्डर का सेक्शन माना जाता है, हत्या का मामला। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्यूनिटिव मेजर्स यानी दंडात्मक उपाय भी बताए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी इन निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी कार्रवाई हो वो 6 महीने के अंदर लॉजिकल कंक्लूजन यानी तर्कपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में सबसे बड़ी टिप्पणी ये है कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ सरकारें अपने कान बंद करके नहीं बैठ सकती, यानी कहीं ना कहीं कोर्ट ने यह पाया है कि हमारा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा और इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने की जरूरत है। सरकारों को इसमें प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। या एक झूठा मैसेज और लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र का कब्जा। पिछले कुछ वर्षों से भारत की पहचान इसी भीड़ तंत्र की वजह से हो रही है। वैसे तो भीड़ तंत्र पर मीडिया या बुद्धिजीवियों का गुस्सा सेलेक्टिव भी होता है, लेकिन यह बात सच है कि लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र के कब्जे के खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को आज यह सख्त फैसला देना पड़ा। सवाल ये है कि क्या किसी भी जमहूरियत में आपको ये अधिकार लोगों को देना चाहिए कि वे सड़क के ऊपर भीड़ हत्या करें या भीड़ हिंसा करें। आज गाय के नाम पर हो रहा है, हमने देखा आसाम में बच्चों के नाम पर हुआ, कई महिलाओं को मारा जाता है क्योंकि उन्हें डायन कहा जाता है। ये एक जमहूरियत में, ये एक सिविलाइज सोसाइटी में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं और इसे बंद होना करना होगा। हर अपराध के लिए कम से कम सजा और अधिक से अधिक सजा का प्रावधान है और ये अदालत के ऊपर होता है कि वो अपराधी को कितनी सजा सुनाती है। और ऐसे ही हत्या के मामले में कम से कम सजा उम्र कैद होती है और अधिकतम सजा फांसी की। लेकिन आज अगर हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि अगर भीड़ हिंसा में किसी की हत्या होती है तो ऐसे में दोषी को सिर्फ एक ही सजा मिलेगी और वो होगी फांसी। किसी भी लोकतंत्र का इकबाल तभी बुलंद रहेगा जब लोगों को जीने का अधिकार मिले। सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला और महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने गौरक्षकों के हिंसा के खिलाफ याचिका दायर की हुई थी और इसी याचिका पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। मोदी सरकार ने
भयावह भीड़ तंत्र को अफवाहों के सहारे कत्लो गैरत का भेड़िया तंत्र बना दिया है। उन्होंने सरेआम निर्दोष लोगों को मारने का भीड़ तंत्र को लाइसेंस दे रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से वो लाइसेंस खारिज हो गया। ये साल में 66 मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसको कंट्रोल करने की बेहद ज़रूरत है। और जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे और इस कानून के तहत लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, उनको एक मिसाल नहीं बनाया जाएगा। 80-90% जो है सिर्फ कैटल को लेकर, बफलो को लेकर, काऊ को लेकर मारा पीटा जा रहा है। सरकार को चाहिए, प्रधानमंत्री को, पूरे देश के तमाम मुख्यमंत्री को बुला के बैठक बुलाए, या होम मिनिस्टर्स तमाम होम मिनिस्टर को बुला के बैठक बुलाए, और जो जो स्टेट में खास करके बढ़ रहा है वहाँ क्या बंदोबस्त किया जा रहा है। चूंकि मीडिया एडिटोरियल में लिख रही है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, हम पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, लेकिन सरकार इसका संदेश नहीं ले रही है, तो संदर्भ में ले। गोरक्षकों के हिंसा हो या फिर बच्चा चोरी के आरोप में पीट पीट कर मार डालना, अदालत ने आज अलग से कानून बनाने का सुझाव दिया है। कुल मिलाकर विपक्ष के निशाने पर बीजेपी और केंद्र सरकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यों को भी एक कड़ा संदेश दिया है। किसी भी तरह के क्राइम के हम खिलाफ हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स को समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइजरी भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को सुझाव भी देती है और कहती भी है कि इस तरह के क्राइम्स के साथ, क्रिमिनल्स के साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं होनी चाहिए, और जहां पर भी इस तरह का क्राइम होता है उनके खिलाफ कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये भी है कि झूठी अफवाहों की वजह से लोगों की जान लेने वाली ये भीड़ कहां से आती है, और क्या अब नए कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद ये तस्वीर बदलेगी। दिल्ली से महेश गुप्ता, जी मीडिया। इस बीच मानव अधिकारों पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 के शुरुआती 6 महीनों में, यानी 2018 के शुरुआती 6 महीने यानी जून तक, भारत में 100 हेट क्राइम्स यानी नफरत पर आधारित अपराध हुए हैं। इन अपराधों में दलित और अल्पसंख्यक निशाने पर थे। हेट क्राइम्स में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है और गुजरात दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में 2018 में पहले 6 महीनों के दौरान 18 घटनाएं हुई हैं और गुजरात में 13 घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा राजस्थान तीसरे नंबर पर है जहां 8 घटनाएं हुई हैं, वहीं तमिलनाडु और बिहार संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर हैं, वहां 7-7 घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बीजेपी की सरकारें हैं, और बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार है, और इसके अलावा तमिलनाडु में AIADMK की सरकार है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि हमारे देश की सरकारों ने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए अभी तक उचित कदम नहीं उठाए हैं, और अभी बहुत कुछ किए जाना बाकी है, और इसके लिए हमारे सिस्टम को बहुत सुधार करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को फांसी की सजा देने की वकालत की है। ये बहुत बड़ी बात है कि इसके बाद मॉब लिंचिंग के मामलों में फांसी की सजा शुरू हो जाएगी। इस विश्लेषण के अंत में हमारे मन में एक चिंता भी है, और वो चिंता ये है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की सुनता कौन है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज हम आपको देंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे और सही फैसले दिए, लेकिन उसके आदेशों का सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, प्रशासन ने, सरकारी अधिकारियों ने सम्मान नहीं किया। आपको याद होगा पिछले साल दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR में पटाखों पर बैन लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की खूब धज्जियां उड़ी और दिवाली पर लोगों ने खूब पटाखे जलाए, प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। इसी तरह से पिछले कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर बहुत से फैसले देता रहा है, लेकिन किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना नहीं। अगर अदालत का फैसला मान लिया गया होता तो आज यमुना एक गंदे नाले की तरह ना होती, और यमुना के आसपास इतनी इलीगल कंस्ट्रक्शन ना होती। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई वर्षों में दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में होने वाले निर्माण कार्यों को रोकने के लिए भी कई फैसले सुनाए, लेकिन इन कॉलोनियों में निर्माण कार्य नहीं रुके। आपको यह भी याद होगा अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण को लेकर भी अपनी बहुत नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि अतिक्रमण को जल्दी से जल्दी हटाया जाना चाहिए, लेकिन सरकारी अफसरों ने और प्रशासन ने बड़े अनमने तरीके से
ये अतिक्रमण हटाए तो कुछ दिन के लिए, लेकिन अब वो सारे अतिक्रमण वापस लौट चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, क्योंकि हमारा सिस्टम है ही ऐसा। ऐसे मामलों में रिश्वत की मिठाई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भारी पड़ जाती है। और एक और उदाहरण आपको दे देते हैं, नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में 10 बजे के बाद, रात 10 बजे के बाद कोई लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाएगा। लेकिन आप जहां भी रहते होंगे देश के जिस भी कोने में, आपने देखा होगा रात 10 बजे के बाद बहुत देर तक, आधी रात तक भी आपको लाउड स्पीकर अपने घर के आसपास सुनाई देते होंगे। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई जुलूस निकलता है, कोई शादी होती है, कोई पार्टी होती है, देश के किसी कोने में इस आदेश का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि राज्य सरकारों ने कोई काम नहीं किया, प्रशासन ने, सरकारी तंत्र ने कोई काम नहीं किया। ये सारे सुप्रीम कोर्ट के वो आदेश हैं जिनका पालन अभी तक नहीं किया गया है। इसीलिए हम बड़ी चिंता के साथ ये कह रहे हैं कि क्या इस देश की भीड़ सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का सम्मान करेगी। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसका जवाब बहुत जल्द देश के लोग सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे, देश का जो सरकारी तंत्र है वो दे देगा और देश की राज्य सरकारें हैं वो दे देंगी और बता देंगी सुप्रीम कोर्ट को कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो नए सुझाव दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि राज्य सरकारों को खुद इसके बारे में सोच लेना चाहिए था, केंद्र सरकार को इसके बारे में सोच लेना चाहिए था, लेकिन जो काम हमारे देश के सांसदों को करना चाहिए था, विधायकों को करना चाहिए था, लॉ मेकर्स को करना चाहिए था, वो काम सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है। इस देश में धर्म के नाम पर कोई भी तानाशाही नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोगों ने इस तानाशाही को अपना मौलिक अधिकार समझ लिया है। ऐसी ही तानाशाही की वजह से आज ट्रिपल तलाक और हलाला का विरोध करने वाली एक महिला की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, या ये कह लीजिए कि खतरे में पड़ गई है। इस महिला का नाम निदा खान है और इनके खिलाफ बरेली में एक फतवा जारी किया गया है। इस फतवे के मुताबिक अगर वो बीमार होंगी तो उन्हें दवा नहीं मिलेगी और अगर उनकी मौत हो जाए तो उन्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी। ये धार्मिक तानाशाही और क्रूरता की हद है। पहले ये देखिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में किस तरह महिलाओं की आवाज को कुचला जाता है और फिर हम इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। उससे मेल जोल, उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, बीमार पड़ जाए तो उसको देखने जाना, उसकी आयदत के लिए जाना, मर जाए तो नमाज जनाजा पढ़ना, तमाम आमतुल मुस्लिमीन के लिए हुक्म हुआ है कि बिल्कुल उसका शरई बायकाट करे, ना उन मर जाए तो नमाज जनाजा पढ़े, ना उनके साथ उठे ना बैठे। आपने देखा होगा हमारे देश में असहनशीलता को लेकर हर जगह बहस चलती रहती है और हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं जिनको आप ओपिनियन मेकर्स कहते हैं, वो तमाम लोग बार बार ये चिंता जाहिर करते रहते हैं कि हमारे देश में असहनशीलता फैलती जा रही है। लेकिन असहनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये है सबसे बड़ी असहनशीलता। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस असहनशीलता के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता, लेकिन आज हम उठा रहे हैं। निदा खान कोई सामान्य महिला नहीं है, वो बरेली की आला हजरत दरगाह से जुड़े खानदान की बहू थी। आला हजरत दरगाह दुनिया की प्रसिद्ध दरगाहों में से एक है, देश में करोड़ों मुसलमान इस दरगाह के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इस दरगाह को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं। बरेली में आला हजरत दरगाह के उर्स में हर साल 50-70 लाख लोग आते हैं। निदा खान इसी दरगाह के गद्दी नशी सुभानी मियाँ के सगे भाई उस्मान रजा खां की बहू थी। निदा खान का कहना है कि 5 फरवरी 2016 को उनके पति ने उन्हें ट्रिपल तलाक देकर घर से निकाल दिया। इस परिवार का राजनीतिक और सामाजिक रसूख है, लेकिन इसके बावजूद निदा खान ने इस शक्तिशाली परिवार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने घर पर ट्रिपल तलाक और हलाला से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और इससे नाराज होकर उनके खिलाफ मौलवियों ने ये फतवा जारी कर दिया। ट्रिपल तलाक और हलाला के खिलाफ लड़ाई कितनी मुश्किल है, ये बात एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर नहीं समझी जा सकती। देश के छोटे छोटे शहरों,
कस्बों और गांवों में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से महिलाओं को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जाता है। जिस धर्मगुरु ने निदा खान के खिलाफ फतवा जारी किया है वो भी आला हजरत दरगाह के गद्दी नशी परिवार से ही आते हैं। आज निदा खान बरेली में अपने मायके में रह रही हैं। उनका पूरा जीवन एक तरीके से बर्बाद हो चुका है। फतवा अरबी भाषा का एक शब्द होता है। इसका मतलब होता है किसी मामले में इस्लाम के विद्वान द्वारा शरीयत के मुताबिक दी गई सलाह। फतवे का शाब्दिक अर्थ सुझाव होता है और कोई भी व्यक्ति फतवे को मानने के लिए कानूनी रूप से मजबूर नहीं है। लेकिन हमारे देश में फतवा आने का मतलब होता है कि एक तरीके से सजा ही आ गई और लोग उसको मान लेते हैं। जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फतवे पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शरीयत अदालतों या उनकी तरफ से जारी होने वाले फतवों की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक मामले पर राय नहीं मांगता है तो दारुल कजा या कोई मुफ्ती फतवा जारी करके किसी को भी फतवा मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। फैसले में यह भी कहा गया था कि बेकसूर लोगों को परेशान करने के लिए किसी भी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो फतवे का कोई महत्व नहीं है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली एक और बात है। हम थोड़ी देर पहले आपको यही बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले तो बहुत सारे सुनाए हैं, सुझाव बहुत सारे दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानता कौन है? जब सुप्रीम कोर्ट फतवे के बारे में इतना सब कुछ कह चुका है उसके बाद भी फतवे खुलेआम जारी किए जा रहे हैं और फतवों के नाम पर महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है। लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं का समाज पर इतना गहरा प्रभाव होता है कि वो धर्म का डर दिखाकर लोगों से अपनी बात मनवा लेते हैं। निदा खान का मामला भी ऐसा ही है। अगर फतवे को मानकर लोग निदा का सामाजिक बहिष्कार करते हैं तो उनके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह एक जर्रा भर भी जुल्म नहीं फरमाता। इससे बातचीत सलामो कलाम और उसके साथ खान पान सब बंद कर दें। मुझे इस्लाम से खारिज करने वाले वो होते कौन है? हलाला का हुक्म अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। शरीयत पहले वो अपने घर में जाके लागू करे फिर आवाम पे लागू करे। अगर बीमार पड़े तो देखने ना जाए, मर जाए तो जनाजे में शरीक ना हो। मेरा सामान, मेरा मेहर और जो मेरा जेवर है वो मुझे बाकायदा वापस हो। ट्रिपल तलाक और हलाला की वजह से परेशान महिलाओं की अब भी कोई मदद नहीं हो पा रही है। जहां से मदद की उम्मीद की जाती है वहां से ऐसे फतवे जारी हो रहे हैं जो उनकी जिंदगी को और मुश्किल में डाल रहे हैं। निदा खान बरेली की प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह से ताल्लुक रखने वाले खानदान की बहू बनी, लेकिन अब वो अपने मायके में रहने को मजबूर हैं। ट्रिपल तलाक के बाद निदा खान मुस्लिम महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन ये बात बरेली के इस्लामिक विद्वानों और मौलानाओं को नागवार गुजरी और उन्होंने निदा खान के खिलाफ एक बहुत सख्त फतवा जारी किया। निदा खान को लेकर आए दिन जो उनके बयान आ रहे हैं और वो शरीयत में तब्दीली जा रही है, जबकि हलाला और तीन तलाक और एक से ज़्यादा शादियों का मसला किसी मौलवी की तरफ से नहीं है बल्कि खुदा का कानून है, अल्लाह का कानून है। और अगर वह ऐलानिया तौबा करती है, तजदीद ईमान करती है तो फिर जैसे पहले थी वैसी हुआ, आज हमारी बहन है कल भी हमारी बहन थी। और अगर तौबा ना करने की सूरत में वह इस्लाम से खारिज है, उससे कतई कोई मिलने जुलने की कोशिश ना करे। और जो उसका साथ देगा, जो उससे मेलजोल रखेगा और शरी हुक्म पर अमल नहीं करेगा वो भी इसी कटघरे में खड़ा हो जाए। दो साल से निदा खान इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। मुसलमानों की इतनी प्रतिष्ठित दरगाह से उनका संबंध जुड़ा, ये उनके जीवन के लिए बहुत खुशी का पल रहा होगा। लेकिन शौहर से ट्रिपल तलाक मिलने के बाद उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है।
पहली बात जो राजनीति चमकाने की बात होगी यहाँ पे, क्योंकि वो सिर्फ राजनीति चमका रहे, मुझे इस्लाम से खारिज करने वाले वो होते कौन है? शरीयत पहले वो अपने घर में जाके लागू करे, फिर अवाम पे लागू करे, क्योंकि उनको बस शरीयत के नाम पे अवाम को भड़काना आता है जो वो करते आए। और अगर ये बात शरीयत की है तो जैसा उनके भतीजे ने मेरे साथ करा है, या कह लिए खानदान आला हजरत के नबीर आला हजरत शिरान रजा खान ने अगर मुझे तलाक दी तो शरई हुकूक ये है कि मेरा सामान, मेरा मेहर और जो मेरा जेवर है वो मुझे बाकायदा वापस हो, और उसके बाद वो तलाक का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। लेकिन आज तक नहीं हुआ। जो फतवा जारी करा है मैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगी तो क्या होगा? जिस चीज़ की वैलिडिटी नहीं है वो कैसे कर सकते हैं? या तो वो इंडिया में रह ले, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है उसे फॉलो कर ले, या फिर अपना एक अलग देश चले जाएँ, या फिर पाकिस्तान जाके रह लें, क्योंकि वहीं यहाँ बदमाशी और गुंडई जो भी है वहीं चल सकती है, यहाँ नहीं चलेगी। निदा खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बरेली के दारुल इफ्ता ने निदा खान के खिलाफ जो फतवा दिया है उस फतवे का समर्थन देवबंदी उलमा भी कर रहे हैं। देखिए, निदा खान के सिलसिले में बरेलवी हजरात ने जो फतवा जारी किया है मैं उस पर पूरी तरीके से मुत्तफिक हूँ और मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं के शरीयत के कानून को नहीं मानता ये कह दे तो उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं होता, लिहाजा वो मुर्तद हो जाता है और मुर्तद की नमाज जनाजा नहीं होती है। देश में जब ट्रिपल तलाक यानी एक साथ तीन तलाक के खिलाफ मुहिम चली, उस वक्त जिन लोगों ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की उन आवाजों में निदा खान की भी आवाज थी। आज केंद्र सरकार भी ट्रिपल तलाक को महिलाओं के मूल अधिकारों का उल्लंघन कहती है। इसके बाद भी ये बिल कानून का रूप नहीं ले पा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के ये नामदार से पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे आपको मुबारक, लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए भी इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, गौरव के लिए, उनके हक के लिए कोई जगह है क्या? पार्लियामेंट में कानून रोक करके बैठ जाते हैं, हो हल्ला करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी को किसी के धर्म से कैसे निकाल सकता है? वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, उनका संघर्ष सही है, गलत है, किसी को पसंद है, नापसंद है, वो अलग बात है, लेकिन किसी एक के कहने से आप अपने धर्म से नहीं निकाले जा सकते हैं। उनको कभी कभी चिंता न रही अल्पसंख्यकों की ना है, वो तो सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए उन्होंने जबरदस्ती उछाला है। सवाल ये है कि आखिर किसी गलत परंपरा या कुरीति का विरोध करने पर किसी को उसके मजहब से खारिज कैसे किया जा सकता है? जो गुस्ताखियां कर रही हैं औरतें कि हलाला जो है हमारे इस्लाम में नहीं है या कुरान और हदीस में नहीं है, इस वजह से मुफ्ती इकराम ने उस सवाल का जवाब जो दिया है उसमें कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम से खारिज बताया जिस तरीके की ये औरतें बातें कर रही हैं। इस्लाम से कोई आदमी किसी दूसरे को खारिज नहीं कर सकता, वो ये कह सकता है कि इनका जो ये तरीक़ेकार है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इसलिए ये इस्लाम मजहब से बाहर हो गई। सारे कागज़ आपके पास हों, उनको पढ़ने के बाद कोई राय दे सकती कि भाई मुफ्ती का जवाब सही है कि नहीं सही है। से औरतों के ऊपर हो रहे इस्लाम के कानून के खिलाफ जो हो रहे काम है उसका विरोध कर रही है तो बहुत बहादुर है, और इनके इस्लाम के खारिज कर देने से कुछ नहीं होता। ये हिंदुस्तान है, ये तालिबानी मानसिकता नहीं चलेगी। और हम इस बच्ची से कहना चाहेंगे कि अगर वहाँ के थाने चौकी दबाव में अगर आते हैं तो उनके दबाव में मत आइए, आप कोर्ट में सीधे जाइए। बहुत ही ये दर्दनाक और शर्मनाक बात है कि एक महिला जो न्याय मांग रही है, एक महिला जो परिवार में और शादी में अपने अधिकार मांग रही है, उसको न्याय देने में मदद करने की जगह पे उसका साथ देने की जगह उसके खिलाफ इस तरह का फतवा आ रहा है, ये बहुत शर्मनाक बात है। सम्मान के साथ जीना किसी भी महिला का हक है, लेकिन आजादी के 70 वर्ष बाद भी महिलाओं का इंसाफ के लिए इस तरह दर दर भटकना बहुत शर्म की बात है। सुबोध मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हमारा सवाल ये है कि ये खबर देखने के बाद आप खुद सोचिए कि असहनशीलता की जो बात करने वाले लोग हैं वो इस मामले में चुप क्यों हैं? असहनशीलता का मुद्दा अब कहाँ गया? इसी तरीके से आपने सुना होगा अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है, अब अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ चली गई? और आपने ये भी सुना होगा कि लोकतंत्र खतरे में है,
अब लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं है जब एक महिला को इस तरह धार्मिक गुरुओं द्वारा सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इस देश में कानून है, अदालतें हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद एक महिला जो कि एक खास धर्म की दूसरी महिलाओं की मदद करने की कोशिश कर रही है किसी कुरीति को हटाने के लिए, तो उस महिला के साथ क्या होता है ये आपको देखना चाहिए, और ये सारे मुद्दे अचानक कैसे गायब हो जाते हैं ये भी आपको देखना चाहिए। जिस देश में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी शरीयत कोर्ट के समर्थन में बयान देते हैं, उसी शरीयत के नाम पर फतवे जारी किए जाते हैं और महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे देश में महिलाओं की दुर्दशा की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, धार्मिक अधिकारों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति, धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति और पर्सनल लॉ। ये एक ऐसा मामला है जिसमें कोई भी सरकार और कोई भी पार्टी उसके बारे में छेड़छाड़ करने से घबराती है, क्योंकि उसे अपने वोट बैंक पर खतरा नजर आता है। इसीलिए तमाम पार्टियां और तमाम सरकारों ने हमेशा ये फैसला किया कि किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के पर्सनल लॉ में कोई दखलअंदाजी ना करें, क्योंकि इससे वोटर नाराज हो सकता है, चाहे उसमें कितनी भी नाइंसाफी होती रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ फैसला दिया तब केंद्र सरकार ने उस पर एक बिल तैयार किया। यह बिल लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में अब भी लटका हुआ है, क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इसे पेश ही नहीं होने दिया। बीजेपी लगातार बयानों के जरिए कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और इसका तोड़ निकालने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक नया दांव खेला है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल को पास करवाए, कांग्रेस पार्टी इसे पूरा समर्थन देगी। अब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को जवाब में एक और चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा है कि राहुल गांधी ये समझाएं कि यूपीए के शासनकाल में बीजेपी और एनडीए के समर्थन के बावजूद ये बिल पास क्यों नहीं हो पाया। इसके बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से ये अपील की कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को मिलकर महिलाओं के सामने एक नया विकल्प रखना चाहिए ताकि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले और सत्ता में भागीदारी मिले, और दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल के साथ साथ तीन तलाक और हलाला के खिलाफ बिल को पास करवाया जाए। यानी अब बीजेपी सरकार कांग्रेस से ये कह रही है कि पहले आप ट्रिपल तलाक वाला बिल पास करवाइए, उस पर आप चुप क्यों बैठे हैं उसके बारे में सोचिए। यानी राजनीति का जवाब राजनीति से, चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से, लेकिन महिलाओं के अधिकारों के लिए कोई पहल नहीं हो रही है। एक तरफ ट्रिपल तलाक और हलाला की वजह से महिलाओं में गुस्सा है और दूसरी तरफ एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग भी है जो खुद को बहुत संवेदनशील कहता है लेकिन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के नाम पर मौन व्रत धारण कर लेता है। आज देश में एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है और वो हैशटैग है टॉक टू अ मुस्लिम, यानी किसी मुसलमान से बात कीजिए, मुसलमानों से बात कीजिए। उसका जो मतलब है वो ये है, इस हैशटैग के जरिए देश के कुछ सेलिब्रिटीज ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से बात कीजिए। इसके जरिए ऐसा जताने की कोशिश हो रही है जैसे भारत में मुसलमानों से कोई बात ही नहीं करता, किसी भी विषय पर उनकी राय नहीं ली जाती और वो समाज का हिस्सा नहीं है। लेकिन हमें लगता है ये सच नहीं है, ये एक तरह का एजेंडा है, और इस तरह के हैशटैग जब बनाए जाते हैं और जब उन्हें ट्रेंड करवाया जाता है तब ये जो कोशिशें होती हैं ये अपने आप में समाज को बांटने का काम करती हैं। असल में ये सारे लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आपके मन और विचारों का ये धार्मिक विभाजन बहुत खतरनाक है, इसलिए आपको ऐसे एजेंडे से सावधान रहना चाहिए। और अगर आप हमसे पूछें तो असली असहनशीलता यही है। और अब आखिर में देखते हैं कि आज की हिस्ट्री क्या कहती है। वर्ष 1976 में आज 25 अफ्रीकी देशों ने मॉन्ट्रियल में हुए समर ओलंपिक्स का बहिष्कार किया था और इसकी वजह थी रंग भेद करने वाले दक्षिण अफ्रीका के साथ न्यूजीलैंड द्वारा खेल संबंध रखना। आपको बता दें कि वर्ष 1964 से ही रंग भेद नीति का समर्थन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को ओलंपिक्स से बाहर कर दिया गया था। वर्ष 1996 में आज ही के दिन मद्रास का नाम बदलकर फिर से चेन्नई रख दिया गया था। इसका मूल नाम चिन्नपट्टनम था और इस नाम को अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान बदल दिया था। तो डीएनए में आज इतना ही, अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और
हमारे देश में नफरत का एक बहुत बड़ा उद्योग इस समय चल रहा है और उस उद्योग में बड़े बड़े कारोबारी आपकी भावनाओं का शोषण कर रहे हैं। ये कारोबार मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीति के जरिए होता है, लेकिन अब तक ये कारोबार आपके परिवार और दोस्तों तक नहीं पहुंचा है। इन कारोबारियों के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद रखिए। नमस्कार।